हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है सालबुटामॉल टेबलेट पर। सालबुटामॉल जो दवाई है वो अस्थमा के पेशेंट को, यानी कि सांस संबंधी जो बीमारियां हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में आज हम पूरी जानकारी देखेंगे कि इसके क्या उपयोग हैं, किस तरह से काम करती है, कितना डोज होना चाहिए और क्या ब्रांड नेम से मिलती है, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, एक्सपर्ट की एडवाइस क्या है सालबुटामॉल दवाई का उपयोग करने के लिए और हमें ये दवाई को कब उपयोग नहीं करना है। तो आज हम ये सारी जानकारी देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इसी तरह के वीडियो आते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जानकारी पहुँच जाए। फ्रेंड्स, सालबुटामॉल दवाई का उपयोग अस्थमा यानी सांस संबंधी जो रोग हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है या उनके जो लक्षण हैं उनको कम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ का ट्रीटमेंट के लिए उपयोग होता है। ये भी लंग्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसमें कि कफ होता है, स्नीजिंग होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो सालबुटामॉल दवाई का उपयोग अस्थमा के लिए किया जाता है, COPD के लिए किया जाता है, ब्रोंकाइटिस के लिए और जब सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके बाद बच्चों में अस्थमा है, ब्रोंकिकटेसिस है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि डॉक्टर के पर्चे से ही हमें मेडिकल स्टोर से मिलती है। सालबुटामॉल जो टैबलेट होती है उसकी जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में। सालबुटामॉल टैबलेट के कुछ फेमस ब्रांड नेम हैं जैसे सेमोल 4 है, अस्थेलिन 4 जो कि सिप्ला कंपनी बनाती है, अल्बुटेरॉल ये 4 mg में अवेलेबल है। इसके बाद है वेंटोलिन, ये सारे फेमस ब्रांड नेम हैं। वेंटोलिन GSK फार्मा की होती है। सालबुटामॉल दवाई के अगर डोजेस फॉर्म की बात करें तो ये इन्हेलर के फॉर्म में, कैप्सूल जो होते हैं इन्हेल करने के लिए तो कैप्सूल के फॉर्म में इंजेक्शन आते हैं इसके। इसके बाद सालबुटामॉल का सीरप फॉर्म अवेलेबल होता है। अब सालबुटामॉल टेबलेट के काम करने का तरीका देख लेते हैं। सालबुटामॉल जो टेबलेट है वो फेफड़ों तक पहुँचने वाले जो भी वायु मार्ग है उनमें पहुँच कर उन वायु मार्गों को खोल देती है जिससे कि सांस लेने में आसानी होती है। सालबुटामॉल दवाई के अगर डोज की बात करें तो फ्रेंड्स अलग अलग पेशेंट का मामला अलग अलग हो सकता है कि किसको क्या परेशानी, उस हिसाब से डोज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ मेडिकल हिस्ट्री है और क्या कोई दूसरी दवाई अगर चल रही है पेशेंट की, क्या एज है, क्या ग्रुप है, मेल है या फीमेल है, तो इस आधार पर इसका डोज दिया जाता है। तो अगर इसके कॉमन डोज की बात करें तो 2 mg और 4 mg की अगर टैबलेट है तो इसको दिन में 3 या 4 बार लिया जा सकता है अस्थमा के पेशेंट के लिए। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं सालबुटामॉल के। जो साइड इफ़ेक्ट सामने आएंगे वो है मितली आना, सर दर्द होना, चक्कर आना, मांसपेशी में खिंचाव और तेज़ धड़कन होना, नींद ना आना, ये सारे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की अगर बात करें तो सालबुटामॉल के कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, इसलिए आप बगैर डॉक्टर की सलाह के दवाई ना लें। इसके बाद है अगर लैक्टेशन पर है कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो ऐसी महिलाओं में भी इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए आप पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। बात करते हैं कुछ और वार्निंग की। सालबुटामॉल दवाई अगर कोई किडनी का पेशेंट ले रहा है तो उसमें सेफ़ मानी गई है, वो ले सकते हैं। इसके बाद है अगर लीवर की कोई डिजीज़ है तो अगर आप ये दवाई ले रहे हैं और कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप ये दवाई को ना लें, अपने डॉक्टर से बात करें। अगर हार्ट पेशेंट कोई है और कोई इस दवाई को ले रहे हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं देखने को। सालबुटामॉल दवाई के कुछ कंट्राइंडिकेशन है, यानी कि हमें इस दवाई को कब कब नहीं लेना है। तो अगर आपके बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो इसको लेने से बचना चाहिए। इसके बाद है अगर ऑब्स्ट्रक्टिव थायराइड ग्लैंड है, इसके बाद है ब्लड में पोटेशियम की कमी है, BP हाई है और डायबिटीज़ है, तो ऐसी समस्याओं में आप इस टेबलेट को लेने से बचें और आपके डॉक्टर से बात करें। दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर दवाइयों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।